In their तो अब आपके कॉलेजेस हो रहे हैं शुरू ओरियंटेशन शुरू हो चुकी है जल्दी ही आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी एंड न्यू सिलेबस इज गिवन बाई आई पी यूनिवर्सिटी दिस टाइम सो सिलेबस फाइनली रिवाइज हो गया है इतने सालों के बाद बट येस यू हैव अ न्यू अड सिलेबस और वही सिलेबस हम यहाँ करेंगे और जो सेमेस्टर का सिलेबस है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी सो आई गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस जो अभी चेंजेस क्या क्या आए हैं मेजरली आई लेट यू नो अबाउट दैट ठीक है majorly, you know that, और सेमेस्टर वन में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं कैसे उनको प्रिपेयर करना है कहाँ से नोट्स मिलेंगे कहाँ से स्टडी मटेरियल मिलेगा वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ सो so, Stay focused and and watch the 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 video till the end if you really want to excel in your BCA first semester and throughout स्टे फोकस्ड एंडियो टिल सी बी एस ई ने जब पाइथन को इंट्रोड्यूस किया है इलेवेंथ ट्वेल्थ में तो क्या हमारी आई पी यूनिवर्सिटी ने भी पाइथन को कंसिडर किया या नहीं किया तो ये जानकर आपको खुशी होगी कि yes

आपके इधर ये वाले सेमेस्टर्स में है 80 इधर है एंड टोटल 162 सो so, आपके पास अब अगर डिटेल सिलेबस देखा जाए तो वो डिटेल सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंगली आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं तो सेमेस्टर वाइज प्लेसमेंट ऑफ द कोर्स जो है वो ये है आपके पास सो so, पहला सेमेस्टर जो है उसमें आपके चार मेजर सब्जेक्ट्स हैं एक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देन है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज वेब टेक्नोलॉजीज तो ये चारों ही कंप्यूटर से रिलेटेड हैं ये बड़ा अच्छा चेंज किया है कि पहले ऐसा नहीं होता था पहले आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी होते थे रिलेटेड टू योर पी सी एम बट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट इट्स ऑल रिल्प्यूटर्स ये सारे के सारे कंप्यूटर्स वाले सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स भी उतना है जितना कंप्यूटर्स वालों को आना चाहिए ठीक है ये आपके पास एबिलिटी इन्हांसमेंट सब्जेक्ट है विच इज कम्पल्सरी ताकि आपकी एबिलिटी इंक्रीज हो टू वर्क इन अ कंपनी टू इंट्रैक्ट विदनिकल कम्युनिकेशन ठीक है सो ये कम्पल्सरी होता है यह आपको यहाँ पे करना पड़ेगा देन आपके पास सेमेस्टर टू में अप्लाइड मैथमेटिक्स है वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग आगे कंटिन्यू होगा यहाँ वेब टेक्नोलॉजीज था ये सी में आगे एडवांस हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम यूजिंग सी हो जाएगा तो सी आप यहाँ सीखेंगे डेटा स्ट्रक्चर आप यहाँ सीखेंगे यूजिंग सी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा

तो यू विल गेट सब्जेक्ट्स लाइक दिस इन योर फोर्थ सेमेस्टर इसी के बीच में आपकी सिक्स वीक्स ट्रेनिंग भी आती है फोर्थ सेमेस्टर के बाद जो आपको ट्रेनिंग करनी होती है किसी कंपनी में वो भी हम आपको कराएंगे सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट फिफ्थ सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम इन लिनक्स प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर ग्राफिक्स है क्लाउड कंप्यूटिंग है एंड देन में है आपके पास और इसके साथ साथ आपको एक माइनर प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता है ठीक है वो इंटर्नशिप जो मैं बोल रही थी सिक्स वीक्स की उसका सर्टिफिकेट भी यहीं पे जाता है आपका फिफ्थ में फोर्थ के बाद करना होता है डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग ई कॉमर्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है आज की डेट में सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सो इसके अंदर आपके पास पाइथन भी एड किया गया है पाइथन आपको इलेक्टिव में है आप चाहो तो चूज कर सकते हो मतलब कम्पल्सरी नहीं है बट यू कैन सेलेक्ट इट एज अ मेन सब्जेक्ट ठीक है सो सी प्लस प्लस और पाइथन में चॉइस होगा शायद तो अगर अभी हम आते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर पे सो फर्स्ट सेमेस्टर जो है आपका वो है ये दिस इज योर सेमेस्टर वन सो ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपका एग्जाम किस किस का होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थ्योरी प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज थ्योरी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आई टी थ्योरी वेब टेक्नोलॉजीज थ्योरी सो हंड्रेड मार्क्स का पेपर रहेगा सेवनटी फाइव मार्क्स आपको रिटर्न में होगा पच्चीस मार्क्स आपके जो है वो स्कूल मतलब कॉलेज देगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स इंटरनल गिवन योर सेशनल्स तो आपके क्लास टेस्ट टाइप सेशनल्स होते हैं कॉलेज में सेमेस्टर के बीच में डिपेंड करता है टू टू थ्री सेशनल्स आ दर और के मार्क्स के ऊपर बेस्ड आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं तो so, ये सेशनल के मार्क्स के ऊपर बेस्ड होते हैं ये जो फाइनल पेपर में मार्क्स आएंगे वो होंगे ठीक है ऐसे ही टेक्निकल कम्युनिकेशन का भी थियोरी एग्जाम होगा बाकी आपकी लैब होंगी तीन एक सी प्रोग्रामिंग की लैब है एक आई की लैब है और एक वेब टेक्नोलॉजी की लैब है ब्रिज कोर्स उन बच्चों के लिए है जिनके पास मैथ्स नहीं था ट्वेल्थ में सो so, जिनके पास मैथ्स नहीं था, so, so, उनको ये पेपर करना पड़ेगा इसमें सिर्फ आपको पास होना है ऐड नहीं होंगे बट यू जस्ट भाई आपको थोड़ा बहुत मैथ समझ आ गया ठीक है अब इसके बाद ये डिटेल्ड ऐसे बाकी के, आ, के बारे में बताया हुआ यहाँ पे ठीक है So, यहाँ पर आपको बाकी के सेमेस्टर्स के बारे में बता रखा है पर अभी हम बाकी के में नहीं घुसेंगे हम अभी सिर्फ पे करेंगे सो इफ वी स्क्रॉल डाउन इफ द डिटेल सिलेबस ऑफ ईच ऑफ सब्जेक्ट तो जो आपके सब्जेक्ट्स मार्क्ड हैं सबका एक एक का टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस है सो डिटेल सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर के अंदर आप ऑब्वियसली पहले फर्स्ट सेमेस्टर आएगा सो so ये है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सिलेबस इसके अंदर आपके पास यहाँ से शुरू है नंबर ऑफ आर्स दैट इज यूनिट वन एंड फर्स्ट टॉपिक है सेट्स तो सेट्स आपको करना है रिलेशन एंड फंक्शन करना है प्रोपोजिशनल लॉजिक करना है देन यू हैव अनादर टॉपिक्स लाइक ग्राफ थ्योरी है ठीक है और आपके पास रेफरेंस uh, है सो so, ये सारे जो है टॉपिक्स ये आपको इसके अंदर करने होंगे ठीक है सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट इट लेट गेट रीलोडेड सो ये सारे टॉपिक्स आपको करने होंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर उसके अलावा जो तीन और सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं जिसमें सी प्रोग्रामिंग की लाइव क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं सो टुमारो इवनिंग फोर थर्टी वी विल बी हैविंग फर्स्ट लाइव क्लास फॉर सी प्रोग्रामिंग जो ऑब्वियसली आपको रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगी तो अगर इन केस आप किसी भी रीजन से लाइव मिस करते हैं तो वो चैनल पे रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी आप कभी भी देख सकते हैं यू कैन वॉच इट एनी टाइम यू वॉन्ट ठीक है अब बाकी के तीन सब्जेक्ट्स जो हैं सी के लिए क्लासेस लाइव चलेंगी लेकिन बाकी के जो तीन सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि सी सबसे डिटेल्ड प्रोग्रामिंग है उसमें सबसे ज़्यादा आपको डाउट्स आएंगे सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स होंगी तो इसलिए वो मैंने लाइव रखा है ठीक है बाकी ये मैथ्स की क्लासेस सो so, ये पूरा मैथ्स का जो आपका सिलेबस है ये सारी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इस चैनल पर तो आपको कहीं पर भी बाहर पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है आपके चारों सब्जेक्ट्स मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कराऊंगी सो टेक्निकल कम्युनिकेशन आप खुद पढ़ सकते हो दैट इज वेरी बेसिक सो दैट यू कैन गो ऑफ योर ओन फिर हमारे पास ये है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका डिटेल सिलेबस यहाँ पे मैंशन है सो so, जैसे कि पहली चीज ही है सी बेसिक सी कैरेक्टर सेट आइडेंटीफायर की टोरोट इज सेकेंड ऑफ दिसंबर राइट सो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर कवर कराया जाएगा so you need not worry about it. तो सी लैंग्वेज सेम होती है बेटा, चाहे आप आईपी से बी सी ए कर रहे हो चाहे आप इग्नू से बी सी ए कर रहे हो चाहे आप बीटेक कर रहे हो चाहे आप बी एस सी कर रहे हो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बदलती नहीं है तो इट इज सेम तो अगर आप भी आप कमेंट्स में ये पूछने वाले हो कि मैम इग्नो के लिए भी करा दो या बीटेक के लिए भी करा दो तो लैंग्वेज इज सेम फॉर एवरी एवरी डिसप्लिन ऑफ कंप्यूटर्स ठीक है प्रोग्रामिंग नहीं बदलती है देन आपके पास जो अगला सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल्स इन कंप्यूटर्स ऑफ फंडामेंटलूटर तो ये बहुत ही बेसिक है कंप्यूटर हार्डवेयर मेमरी क्या होती है ठीक uh, है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर लैंग्वेजेस कंप्यूटर नंबर सिस्टम बाइंड्री अर्थमेटिक मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी तो ये वीडियोस अलग अलग जगह पर हो सकती है बट मटाइल ग्रुप देम ऑल टुगेदर ताकि आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाए जो टॉपिक्स नहीं हुए हैं जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑल दैट विल बी एडेड ये मैं आपको पूरा इसका सिलेबस भी आपको मिल जाएगा इसका प्रैक्टिकल बेटा वो जो पावर पॉइंट वर्ड वगैरह है वो आप खुद करोगे जहाँ पे भी डाउट आएगा आप पूछ लेना बट आई विल नॉट बी टेकिंग दैट एम एस ऑफिस थिंग अदरवाइज आई एल बी प्रोवाइडिंग यू कम्प्लीट थ्योरी वेब टेक्नोलॉजीज इज योर फोर्थ सब्जेक्ट जिसके अंदर आपको एच डी एम एल करना है सो so, आपका जो सिलेबस है उसमें यू शुड नो द टर्म्स रिलेटेड टू वर्ल्ड वाइड वेब यू शुड नो अबाउट एच डी एम एल यू शुड नो अबाउट क्रिएटिंग स्टाइल शीट्स एंड बूथ स्ट्रैप बेसिक्स तो ये आपके सिलेबस में है तो so, ये चारों सब्जेक्ट्स आपको इसी चैनल पे कराए जाएंगे बहुत डिटेल में प्रॉपर सेशनर्स की तैयारी के साथ फाइनल एग्जाम की तैयारी के साथ ठीक है सो वी विल बी डूइंग इट आप जैसे डेट्स देख सकते हो यहाँ पे 22 नवंबर को ये नया सिलेबस अप्रूव हुआ है सोटेंटी सेकेंड नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इज दी अप्रूवल डेट ऑफ द न्यू सलेबस तो ये सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं आई पी यूनिवर्सिटी की साइड से नहीं तो कॉलेजेस ने भी आपको दिया है अदरवाइज आई एल बी शेयरिंग इट इन द टेलीग्राम ग्रुप तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है सो ज्वाइन द ग्रुप आई एल बी शेयरिंग दिस ताकि आप लोग ये सिलेबस अपने पास भी डाउनलोड करके रख सको सो फर ऐफर से चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब पढ़ना तो यहीं से है, है ना तो आपका हमने एंट्रेंस करा दिया आपका एंट्रेंस के बाद एडमिशन करा दिया तो भाई बीच में थोड़ी छोड़ देंगे अब एडमिशन हो गया है तो बी पूरी भी तो करनी है और बी पूरी करने के बाद प्लेसमेंट भी तो करनी है है ना तो भाई हाँ भी हमने एंट्रेंस क्लियर किया है अब हम पढ़ेंगे इसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे उसके बाद प्लेसमेंट्स होंगी कैंपस प्लेसमेंट में बैठेंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाएंगे है ना ताकि कल को फिर बता तो सको गूगल एप्पल फेसबुक में जाकर कि हम के हम अंजलि मैम के स्टूडेंट्स हैं है ना सो so, फटाफट से लाइक like करो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन टेक केयर ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट डे